यूपीएससी एजुकेशन इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे आज हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ये आपका नेशनल पार्क कराया था, तो उससे रिलेटेड ही आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा और ये क्वेश्चन की सीरीज पार्ट टू होगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है। अब मैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कराऊंगा, तो सेकंड पार्ट ये है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट, अब ये ऑप्शन है हिमालय व पूर्वी तट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट व पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। ये देखिए कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि ये आपका आरएएस में आया हुआ है, यूपी पीसीएस में आया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है वो, जैसे कि कल मैंने इससे जो आपकी वीडियो है नेशनल पार्क की, उसी में मैंने बताया हुआ था कि ये पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, ये मैंने बता दिया था। तो ऑप्शन सी आपका है, देख लीजिएगा। अगर आपने पीडीएफ नहीं डाउनलोड की है तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं पीडीएफ, जहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा फ्री। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हॉटस्पॉट की संकल्पना एवं स्वस्थानीय विधि के अंतर्गत की गई सेकंड कथन है। हॉटस्पॉट क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानीय समवाही पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए। कथन तीन है, जिन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में स्थानीय प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है वे क्षेत्र अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। चौथा है, भारतीय स्थित सुडालैंड हॉटस्पॉट को 2013 में विश्व आरक्षित जैव मंडल घोषित किया गया था। तो ये चारों के चारों ही कथन सही हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी। ये आपका आईएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम आगे बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी को शिकार नहीं किया जा सकता। ये मैंने वीडियो में चर्चा कर ली थी, तो फिलहाल तो आंसर हम लोग को पता ही है। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं तो क्या है, विकल्प क्या दिए हैं और आंसर क्या है। घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा, जंगली भैंसा, तो ये तीनों के तीनों ही हैं, तो ऑप्शन डी। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपका 2012 में आया हुआ है, 2012 में ये आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका बांदीपुर, भीतरकनिका, सुंदरवन, मानस। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, जैसे कि संरक्षित प्रदेशों के बारे में हमने चर्चा की थी, तो संरक्षित प्रदेश इसमें है बांदीपुर, भीतरकनिका के बारे में हमने चर्चा की थी, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए सही होगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रही है, इसको साइड कर लेते हैं तो ये दिक्कत नहीं होगी। बस हो गया, ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो जूम इन करते हैं, जूम आउट। चलिए, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर कौन से कथन सही हैं। जैसे कि ऑप्शन एक, यह एक पहल है जिसकी मेजबानी यूएनईएफपी
IMF एवं विश्व आर्थिक मंच कहते हैं जिसे। यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह एक ऐसा उपागम है प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्यों की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता करता है। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा सही, देखते हैं अब हम। जैसे कि बात हुई थी वीडियो में, यह एक विश्वव्यापी पहल है, जैव विविधता के आर्थिक और लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करता है, ये तो सही है, इस पर हमने चर्चा की थी कल पिछली वीडियो में नेशनल पार्क में। ये भी हमने बात की थी, यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के मूल्यों की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण निर्णयकर्ताओं की सहायता करता है, ये भी सही है, लेकिन ये नहीं सही है, इस पे कोई बात नहीं हुई थी तो ये नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2 और 3? तो 2 और 3 किसमें है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपका 2011 में आया हुआ है, तो इस पे हम बात करते हैं। हिमालय पर्वत प्रदेश प्रजाति विविधता की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध हैं, इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? तो जैसे कि अब हमने बात कर ली थी, तो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, या अधिक वर्षा होती है, प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है, यहाँ विभिन्न जैव भौगोलिक प्रदेश का संगम है, इस क्षेत्र में विदेशज आक्रमण प्रजातियाँ प्रवेश नहीं कराई, यहाँ मनुष्यों को कम हस्तक्षेप है। तो ऑप्शन इसका बी, यहाँ पर विभिन्न जैव भौगोलिक प्रदेश का संगम है, ये सही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह जैव विविधता के संरक्षण हेतु विश्व समुदाय द्वारा किया गया प्रथम सम्मेलन है, इसका उद्देश्य जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग व लाभों का निरपेक्ष और एक समान प्रकारों को साझा करना है। तो इसमें सी ऑप्शन क्या है, ना तो ए है और ना ही बी है, और डी ऑप्शन है, दोनों ए और बी। तो जैसे कि हमने देख लिया था कि ये ऑप्शन केवल इसमें एक ही है, ऑप्शन ए सही है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए कर लेंगे, जो है यह जैव विविधता के संरक्षण हेतु विश्व समुदाय द्वारा किया गया प्रथम सम्मेलन था, जैसे कि हमने वीडियो में बात की थी। यह 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किसी एक की स्थापना में करने में निहित है? जैसे कि हम लोग ने बात की थी कि जीवमंडल रिजर्व के बारे में हमने बात की थी, तो बाकी के बारे में चर्चा करने से कोई मतलब ही नहीं है, यह ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन IAS के एग्ज़ाम में UPSC इसी तरीके के क्वेश्चन बड़े बड़े ही पूछते हैं, जो कि बहुत ही सरल होते हैं, ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। राष्ट्रीय जीव विविधता प्राधिकरण NBA भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? जैसे कि इसमें बात हुई थी, NBA जौ चोरी को रोकता है और देश में परंपरागत अनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है, ये सही है। NBA कृषि पादप अनुवंशिक संशोधनों पर चल रहे वैज्ञानिक को प्रत्यक्ष मॉनिटर करता है, इनका परीक्षण करता है, तो ये तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा हम देखते हैं, पहला हो गया चलिए ठीक है, तीसरे पे बात करते हैं, NBA की अनुशंसा के बिना अनुवांशिक जैव संसाधनों संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन सही है, तो आपका ये तीसरा भी सही है। तो अब हम देखते हैं, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन 3 सही है, तो कौन सा सही होना चाहिए, सही कथन इसमें,
ये आपका सी, सी आपका सही है, तो सी पे टिक कर दीजिएगा आप। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैव विविधता संरक्षण के लिए 100 स्थान है, ये शायद क्वेश्चन हो चुका है लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं, नहीं थोड़ा अलग है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर हम लोग बात करते हैं, इसके अंतर्गत जीव जंतुओं एवं वनस्पति का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है, ये क्वेश्चन ये सही है हमारा, ये विकल्प सही है हमारा, एक नंबर विकल्प सही है। फिर हम बात करते हैं दूसरा, इस विधि द्वारा विशेष क्षेत्र में एक ही प्रजाति का संरक्षण किया जा गया है, ये गलत है। स्वस्थानीय संरक्षण वह स्थानीय संरक्षण विधि की अपेक्षा सस्ता व आसानी, सही है ये भी सही है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य तथा आरक्षित जयमंडल का निर्माण किया गया, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 1, 3, 4, 1, 3, 4 कौन सा है, ये बी ऑप्शन, तो बी पे टिक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इस पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है, आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था, जो कि इसका ऑप्शन क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं, ये एक नंबर सही है, ये सही है परिभाषित करता है, और ये 3 भी सही है, हस्तक्षेप की अनुमति होती है यहाँ पे, तो 1 और 3 सही होने के बाद हम लोग देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प यहाँ पर 1 और 3 सी है, तो ये सी सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मिलान का, ये भी इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। बात करते हैं, मिलान करना है यहाँ पे नोकरेक, अब हम लोग को मिलान करना है, जैसे कि हम लोग ने कल बात कर ली थी तो उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं, नोकरेक आपका मेघालय में है, फिर मानस आपका कहाँ होना चाहिए, मानस पे हम लोग ने कल बात की थी, तो मानस हमारा असम में है, सही है ये। फिर दिबांग ये आपका कहाँ था, कल हमने इस पे भी चर्चा की थी, ये अरुणाचल प्रदेश में, और 3 हो गए तो चौथा ऑप्शन वैसे भी होना चाहिए, और ये केरल में वैसे भी है, तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये तो ये हमारा सही होता है ऑप्शन बी। अब आप समझ सकते हैं कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम लोग ने चर्चा की है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कितने क्वेश्चन यहाँ से मैंने अभी तक आपको करा दिए हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके, तो जल्दी से जल्दी आप जो है सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके, तो सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं, धन्यवाद।